उठता है, सच की चोंच नोकीली है, सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है, फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है, हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है, सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। सोमी और दीपक दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं और मैम ने बहुत अच्छा गाना गाया, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तलत जी भी आ गए, शैलेंद्र जी का भी मैं फ़ैन हूँ, जीतू जी भी पहुँच चुके हैं। सो जब भी अनूप जी बुलाएंगे, यही है मुंबई की एक खास बात कि यहाँ सिर्फ रिलेशन चलते हैं, आर्टिस्ट बड़ा हो छोटा हो, लेकिन जब भी हम एक दूसरे को याद करते हैं, हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। सो अनूप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यू सैंग इट वेरी वेल। और सोमी एंड दीपक को मैं बिग बॉस से ही पहचानने लगा हूँ, और यकीन करो मैंने बहुत बिग बॉस देखा तुम्हारा, और कभी कभी तुम पे गुस्सा भी आता था और प्यार भी आता था, और दोनों इतने प्यारे हैं, एंड सब अभी यहाँ बैठी है, और पता नहीं श्रिंक हो गए दोनों, टीवी पे बहुत तगड़े तगड़े लगते थे। और रीना जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया, सो नेक्स्ट टाइम मैं भी आपके साथ एक गाना करूँगा, अनूप जी म्यूजिक कर देंगे।
जस्सी भाई हमारे बैठे हैं, दिल लगी गुड गुजराती और जैज़ इन वेरी टैलेंटेड। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अनूप जी कि आपने हमारे लिए, जैसे मैं अभी गूगल पे मेरी एज तो पता चली गई सबको कि 42 हो गया मैं, लेकिन आपने नया रास्ता खोल दिया मेरे लिए। जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं। अब ये बिग बॉस में चल गए, इट मींस कि मैं भी इनकी एज में बिग बॉस जाऊंगा और मुझे भी कोई प्यारी जसलीन मिल सकती है। सो अनूप जी आपका मैं बहुत फैन हूँ एंड तरत जी का भी, और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली गाना हम हर तरह का गाते हैं, लेकिन नाम ज़्यादा भजन में हो गया। हम तो सबसे पहले जब पॉपुलर हुए थे तो गज़ल के एल्बम से हुए थे, उसके बाद कई फिल्मों में गाया, अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म में गाया था अक्षय कुमार, अमिताभ जी के लिए गाया था नास्तिक, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, लता जी के साथ भी गाया, आशा जी के साथ गाया, सब कुछ। लेकिन फिर लोगों को भजन हमारे ज़्यादा भाग गए और हमको भी अच्छा लगा, तो हम ज़्यादा भजन फील्ड में अपना समय देने लगे, तो गज़लों में भी बहुत वक्त दिया, उसके बाद कई फिल्में प्रोड्यूस करी आपको मालूम, उसका क्या हश्र हुआ ये भी मालूम, लेकिन किया है बहुत कुछ किया है, बड़े मज़े से किया है और बिग बॉस में पहुँच गया है। जब बिग बॉस में गए तो और मज़ा आया, वो एक नई जिंदगी है, तरह तरह के लोग मिलते हैं और उन सब से दोस्ती होती है, वहीं पर दीपक ठाकुर मिल गए, खान सिस्टर्स मिल गई और भी बहुत लोग मिले, तो वहाँ से ही ऐसा लगा रहा था मुझे कि दीपक और सोमी ये दोनों कुछ कमाल करेंगे बाहर आके, और सच में कमाल कर दिया उन्होंने बाहर आके। जो वीडियो है बहुत खूबसूरत बना है और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें दीपक खुद गाएं, क्योंकि दीपक तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो खुद गाना चाहिए। और जो सिंगर्स हैं उनसे आप मिल ही चुके हैं जो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन दो और बहुत बेहतरीन हमारे मेहमान सिंगर्स यहाँ आए हुए हैं, हमारे साथ जस्सी जी हैं, जस्सी जी को सारा हिंदुस्तान जानता है, जयदीप शर्मा हैं और बेहतरीन कलाकार हैं। कुछ दिन पहले हम लोग कैनेडा का टूर करके आए, हम और जैज़िम के साथ हमने वहाँ परफॉर्म किया था, तो बहुत खुशी की बात है कि आज इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आए हैं और इस एल्बम को यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। अभी कुछ ही मिनटों में मीका जी आ जाएंगे और मीका जी के हाथों फिर हम इसको विधिवत लॉन्च करेंगे, तो मैं रीना जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है वो सब इनकी वजह से ही है, इनके गाने से है, इनकी मेहनत से है, इनके जोश से है, इनके पैशन से है, और उसी वजह से ये तीन तीन एल्बम आपने यहाँ देख लिए, इतने खूबसूरत वीडियो देख लिए और आगे भी ये करती रहेंगी, इसका मुझे विश्वास है, क्योंकि ये बहुत ही प्यार करती हैं संगीत को, बहुत संगीत में डूबी हुई है। और कुछ हमने प्लान किए हैं कि हम कुछ इनके भजन भी आगे रिकॉर्ड करेंगे, शिमारू के साथ हमारे कुछ प्लान्स हैं काम करने के, जिसमें शिमारू जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोक स्टूडियो होता है, वैसे ही एक भक्ति स्टूडियो जैसा सेट होगा और उसमें इस स्टाइल में भजन गाए जाएंगे, तो उसमें भी नए खूबसूरत सिंगर्स आएंगे, उसमें रीना जी भी होंगी और लोग भी आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इसमें गाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गाना, राजस्थानी टच को लेके ये काम हुआ, इसके लिए सबसे पहले तो रीना जी को मुबारक है और उसके बाद दीपक और सोनी को बहुत बहुत मुबारक है और आगे इसी तरह सिलसिला चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा डॉक्टर रीना मेहता जी, अमन जी को भी एक गिफ्ट दें प्लीज अपने हाथों में। ऑलराइट, मैं चाहूंगा रीना जी एक प्यारा सा बुके दें हमारे प्यारे से इंसान जो कि हमारे ये तीन गालों का सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ मेरे और रीना जी के बीच एक
कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने रीना जी को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझे गाने भेजे, गाना सुना भेजे, गाना कुछ अलग ही, कुछ इसकी मेलोडी कुछ अलग लगी और इन्होंने मुझे काफ़ी गाने भेजे। उन्होंने कहा आप चूज़ करिए आप कौन सा गाना करना चाहते हैं, और वन बाय वन मैंने तीन गाने चूज़ किए और मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा और मैंने नए लोग के साथ गाना किए, जीवन से ऐसा नहीं है। चीज लगती है ना वो ये लगती है कि मैंने अनूप जी को जो उनका जो एक फोटे है मतलब भजन वाला जो है, सभी सर कह रहे थे कि मैं गाने हर तरह गाता हूँ, लेकिन तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अनूप सर के लिए है, क्योंकि उनका एक बिल्कुल ही अलग चेहरा और बहुत अच्छा जो मतलब इस गाने को लग रहा है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उमेश मिश्रा सर बैठे हैं आपके सामने, उन्होंने मुझे अलाप के लिए और सर के लिए चूज़ किया और ये बोला कॉल करना है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेल अब देरी ना करते हुए बुलाना चाहूँगा उन संगीतकार को, उन संगीत के मालिक को उमेश मिश्रा जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा संगीत दिया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए उमेश जी, तो उमेश जी ने दो गानों में संगीत दिया है जो कि आप पिछले वाला भी सुना और एक गाना ये वाला है, बहुत ही प्यारा संगीत दिया आपने, चार चांद लगा दिए, अपने एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। देखिए बताने वाले तो बहुत कुछ बता दिए, कुछ बचा नहीं है, बट मैं कुछ इंटर सेंटेंसेस में अपनी बातें पूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुरुआत रीना जी से ही होती है, तो मैं भी वहीं से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि इस सॉन्ग को स्पेशली इन्होंने चूज किया। हम तो क्या है, हम शो कर सकते हैं भाई ये चीज़ है हमारे पास, बट इन्होंने इस पर्टिकुलर गाने के डेप्थ को समझा, फिर इन्होंने इसको अप्रूव किया, फिर अनूप जी से हम लोग बात किए, तो अनूप जी तो कहना चाहिए जितना कहो कम है, मैग्नेटिव पर्सनालिटी, ये हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ऐसे वट वृक्ष हैं कि इसके नीचे अगर बैठो तो ठंडी छाया भी मिलेगी, खाने के लिए मीठे फल भी मिलेंगे और प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, इनके सानिध्य में हम सब करते रहें कुछ न कुछ। रही बात दीपक भाई की, तो दीपक भाई को मैं पहले ही देखा तो एक बात बोला था, स्मॉल पैक्स ह्यूज ब्लास्ट। तो बताओ सीरियसली आप लोगों को कैसा लगा, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री बहुत अच्छी, केमिस्ट्री ऑब्वियसली, केमिस्ट्री तो हमेशा से पसंद करी गई है, लाइक करेगा, शेयर करेगा और प्रमोट करेगा प्लीज हमारे सॉन्ग को, माय केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग है ये बिल्कुल हमारा जो, क्योंकि हम लोग शुरू से ये था कि हम लोग काम करेंगे, अगर मौका मिला तो काम क्यों नहीं करेंगे, और हमें ऐसा मौका मिला कि हम लोग इतने बड़े मतलब लेवल पे, इतने बड़े, चूँकि जी ने रिलीज़ किया इसको, तो इतने बड़े लेवल पे हमारा कोई सॉन्ग आ रहा है और जिसमें हम लोगों ने साथ में पार्टिसिपेट किया है और हम लोगों ने काम किया है, तो इसके लिए रीना मैडम को और पूरी टीम को, हमारा केसरिया बालम पूरी टीम को, क्योंकि हम एक एक नाम नहीं ले सकते हैं और बहुतों का मेहनत है, इनका नाम हमें याद है याद नहीं भी है, सबको दिल से पहचान हाथ आ रहा था, बिना उनके ये पॉसिबल नहीं था। सुमित क्या आपको लगता है, जैसे दीपक ने आ कि बिना उनके पॉसिबल नहीं था, दुख मत जीतू भाई लुक सेंटर, तो अगर आप दोनों बिगेस्ट बॉस में जो आपकी केमिस्ट्री रही है, जो लव इंटरेस्ट रहा है ये पक्का हमेशा से आपसे रही है, वो नहीं होता तो ये नहीं होता। अगर वो नहीं, रीना मैम ने, हाँ रीना मैम ने हमारी केमिस्ट्री का माइंड देखी और उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई, तो उन्होंने हमें से बाहर आए अप्रोच किया और सॉन्ग ओपन किया, हमें भी उनका बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, तो देन यस सोमी तुमको आपको थैंक्स बोलना चाहिए, मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। ओके अच्छा केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की, जिस वक्त ये ऑफर आप दोनों को करा रहे हैं वो फर्स्ट रिएक्शन, अरे ये कैसे, मेरा तो हाथ था, ऑफ कोर्स आपको तो हमेशा से यहां था, मैंने भी सुन के मुझे भी आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे यही अप्रोच हुआ था बालम आफ्टर कमिंग आउट एंड दिस सॉन्ग वाज वेरी नाइस, रीना मैम इज सो नाइस, उन्होंने जिस तरह से अप्रोच किया मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, एंड उससे अच्छा था कि दीपक के साथ था, तो फिर आई वाज वेरी हैप्पी देन हमने हां कर दी और फिर सोनिका नीचे थोड़ा। How proud you feel? I am very proud. मुझे तो खुद को यकीन नहीं होता कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि जिनके
मैं गाने सुनती थी और एक बार सोचती थी, विश करती थी, सपना देखती थी कि मिलना होगा, वो आज हमारे गाने पर लॉन्च कर ए भाई दुर्गेश नीचे के ना मुंह लोगों को जो भी डिफिकल्टी आया ना हमारा टीम ऐसा था तो पीछे और कैमरे के पीछे सर और कोरियोग्राफर सर और चूंकि हमारा बॉन्डिंग ऐसा था तो हम लोग अगर भाई अगर कोई अननोन कलाकार होता तो मैं भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ों में जो हमसे नहीं हो पाए या इनसे हो जाए तो हम लोग शेयर नहीं करते, वो गैप रहता, लेकिन हम लोगों में इतना बॉन्डिंग था कि हम लोगों ने जो भी एक्चुअली वो रोमांटिक ट्रैक है ये आपने जैसे देखा होगा और फर्स्ट टाइम कैमरे पे आना रोमांस करना और अभी कोई अननोन को स्टार होता जिसको आप नहीं जानते तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती, कंफर्टेबल थी बहुत कंफर्टेबल थी और बहुत हमने एंजॉय किया शूट को और बहुत अच्छा लगा। क्या गिवन अ चॉइस और क्या आगे चलकर पॉसिबिलिटी है आप दोनों फिल्मों का भी हिस्सा बने जहाँ पे आपके साथ ही लव स्टोरीज बनाई जाए, वुड यू बी इंटरेस्टेड? बिल्कुल कह नहीं होंगे, हम तो शुरू से हैं इंटरेस्टेड इस तरीके के काम, मतलब जेन्युइनली जिस काम से हमारा नाम हो, जिस काम जो काम अच्छा हो, जो काम लोगों को पसंद आए और अगर लोग हमारे में वो उम्मीद वो चीज़ वो देखते हैं तो जनरली हम लोग साथ काम करना चाहेंगे। आप किस तरह से अपनी जोड़ी को देखते हैं? देर देर वेरी फेमस जोड़ी इन बॉलीवुड, फॉर एग्जांपल वरुण धवन एंड आलिया भट्ट, सलमान एंड कैटरीना कैफ, यू नो वेयर यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ जोड़ी? दीपक ठाकुर और सोनी खान। इससे फेमस जोड़ी क्या हो सकती है, लोग आज यू नो टॉम एंड जेरी वाला था हमारा, स्टिल वी आर टॉम एंड जेरी, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं पर हमेशा साथ हैं। अच्छा शादी की बात करें तो क्या चांसेस है अगर आपके डैड ने तो मना कर दिया, अगर हाँ बोलते तो क्या हो पाती? डैड ने मना कर दिया तो मेरी कहाँ से शादी होने वाली है? दीपक अगर हाँ बोलते डैड तो क्या हो पाती? इसको इस चीज का गिल्ट है, कोई बात नहीं सोमी। तो ये एल्बम करके गिल्ट खत्म करा जा रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एल्बम करके अच्छा काम किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। अच्छा दीपक अगर आपको शादी करना तो किस तरह की लड़की चाहिए और आपको अगर शादी करना तो किस तरह का लड़का चाहिए? अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए, दीपक उन्हें बोलने दीजिए उसके बाद आप उन्हें बोलने नहीं देते। इंसान चाहिए और प्यार हो जाए। ओके बिग बॉस आने पे है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नई थीम भी सुनने में आ रहा है कि दे विल बी कमिंग विद अ न्यू थीम। आई गॉट टू नो कि इस बार ओनली सेलिब्रिटीज विल बी देयर, नो कॉमनर्स, सो लेट्स सी क्या। हमारा भाग्य अच्छा था, हमारा भाग्य अच्छा था, बिग बॉस वालों को दिल से थैंक्स कि हमारे सीजन तक ये एंट्री था, कम से कम हम अंदर आए। आई रियली फील कि इस बार भी कॉमनर्स को मौका मिलना चाहिए क्योंकि आज हमारी लाइफ चेंज हुई, ऐसे बहुत लोगों को मौका मिलता है उनकी लाइफ चेंज हो सकती थी, पर बिग बॉस हर साल नई थीम लेके आता है तो इस बार लेट्स सी। और भारत भी रिलीज हुई, क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू सलमान खान, भारत या हर ईद पे जब भी उनकी मूवी रिलीज होती है तो मैं हमेशा देखना चाहती हूँ, ये भी देखी मैंने और बहुत ज्यादा अच्छी लगी, एंड ही सो हैंडसम, आई विश हिम ऑल द लव, एंड यस बिल्कुल सलमान खान सर का तो हम शुरू से भक्त रहे हैं, बहुत अच्छे और बहुत पसंद करते हैं हम उनको, वो हमारा जो पसंद नापसंद वो नेक्स्ट लेवल का है और बहुत 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 बड़े वाले फैन हैं उनके, तो फिल्म तो अभी हमने नहीं देखी क्योंकि हम अपने अगले गाने में हम अभी थोड़ा सा लगे हुए हैं, हमारा अगला गाना भी आने वाला है जो कि रिलीज होगा बहुत जल्द, जिसको मैंने गाया है और मेरे ऊपर वो एक्ट है, तो और भी एक दो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग आगे सुनेंगे और दिखाई देगा आप लोगों को, और तो सलमान सर की फिल्म अभी तक तो हमने नहीं देखी लेकिन होप सो कि जैसा वो हमेशा आते हैं पर्दा फाड़ के जाते हैं उसी तरीके से इस बार भी, हालांकि कमाई वमाई के मामले में शायद 100 करोड़ क्रॉस करो फिल्म। हाँ आज ही मैंने उनका पोस्ट देखा, आई थिंक 1.5 करोड़। खूबसूरत उसमें आलाप ली है जो गाने की जान है और उसमें दीपक सोमी ने मॉडलिंग की है, दोनों के ऊपर पिक्चराइज हुआ है, आपने देखा गाना, इस गाने में बहुत मेहनत की गई है वो आपको नज़र आ रही होगी, भुज में जाकर शूट किया गया, इतनी बड़ी टीम वहाँ गई, मैं नहीं जा पाया इसलिए आप मुझे वीडियो में नहीं देख रहे हैं लेकिन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और रीना जी को बहुत बहुत बधाई है कि इतना खूबसूरत वीडियो आपका बन के आया है। थैंक यू। कुछ बोलें आप? केसरिया बालम लाइक हमारे लिए तो एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है और इसमें लाइक मेरे फेवरेट कॉन्टेस्टेंट दीपक ठाकुर को लाइक हमने स्टार कास्ट में लिया, उनके साथ जो सोमी खान का एक लव एंगल था वन साइडेड वो हमें बहुत पसंद था, हमें ही नहीं लाइक
बहुत लोगों को बहुत पसंद था एंड लकीली हम उनसे टच में आके एंड हम चाहते थे कि वो करें और वो हो गया. एंड अनूप जलोटा जी ने ये गाना विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम भजन एंड गजल्स यू नो उन्होंने गाया इतनी अच्छी तरीके से. आई एम रियली थैंकफुल टू द होल टीम. ऑल्सो शिखर कुमार जी ने जो आलाप दिया और आलाप से चार चांद लगाए गाने को इट इज़ जस्ट वंडरफुल. एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर म्यूजिक कंपोजर उमेश मिश्रा जी कहाँ हैं जिन्होंने इतना प्यारा सुंदर सा गाना बनाया है और हमारे डायरेक्टर जी सुनील अग्रवाल भाई साहब जो है उनके बिना तो ये गाना इतने अच्छे से लाइक चार चांद लगे इस गाने को यू नो जो उन्होंने शूटिंग करी है. सो ओवरऑल इट्स वेरी वंडरफुल एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी यू नो फॉर दिस सॉन्ग. और आप सबका शुक्रिया आने का. मैं हूँ इंडस्ट्री में एंड अभी काम करना स्टार्ट हुआ है तो अनूप सर के आशीर्वाद की बदौलत और डॉक्टर रीना मेहता मैम के जो मेरी सपोर्ट थी और उमेश मिश्रा सर जो म्यूज़िक डायरेक्टर इस गाने के उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इसमें और चाहता हूँ कि मैं आगे भी अच्छा ही ऐसा काम करता रहूँ आप लोगों के लिए. थैंक यू. उनका जी जो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आर्टिस्ट हैं और इन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर काम किया है वैभवी जोशी के साथ जो भी कुछ आंध्रा फिल्म्स में काम कर रही हैं. सो आई रियली थैंक ऑल ऑफ देम एंड ऑल द थैंक आल्सो गोज टू आवर डायरेक्टर सुनील अग्रवाल जी एंड हिज एंटायर टीम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स कहना चाहूँगा बहुत बड़ा सा थैंक यू रीना जी को एंड सुनील जी को जिन्हें मुझ में नज़र आया इनका कैरेक्टर जो इन्हें गाने में सूटेबल लगा तो थैंक्स इसके लिए. और उसके बाद काफ़ी मेहनत की इन्होंने हमें अच्छा दिखाने के लिए और गाने को बहुत ही ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है. आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा और बाकी आवाज़ का जादू आप देख ही चुके हैं बाकी और दो गानों में भी रीना जी की. जब सॉन्ग आपके पास ऑफर हुआ था क्या माइंड में चल रहा था क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी हाइट पे है फिलहाल. हाँ नहीं मैं आपको बताऊं कि बहुत ही मेरे लिए बहुत लकी साबित है गाना क्योंकि ये गाना करने के बाद ही मुझे रिश्ता मिला था तो मेरे लिए बहुत लकी है और बहुत अच्छा लगा था गाना शूट करते टाइम एंड आई होप कि बहुत ही सेंसुअस एंड बहुत ही प्यारा गाना है. बाकी आप लोग डिसाइड करेंगे कैसा लगेगा आपको. आपकी एक चीज़ और चर्चे में आपकी गाड़ी क्या कहना चाहेंगे. अरे अच्छा आप खबर आ गई बस अभी मैंने दो दिन पहले ही लिया गाड़ी तो थैंक यू सो मच. हाँ नज़र है तो आप भी एक BMW जल्दी से. ड्रीम था मेरा एक प्रीमियम कार लेना बट BMW ले ली मैंने क्योंकि मुझे अभी सेलेक्टिवली मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये अच्छी है इस टाइम तो मैंने वो ले लिया. सभी फैंस को पहले तो बहुत 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 थैंक यू एंड जितना प्यार आप लोग दे रहे हैं बस देते रहिए और मुझे और ऐसी कई चीज़ों में देखते रहिए बस यही बोलूँगा. सारी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहिए और रीना जी को भी और 10-12,000 गाने गाएं रीना जी ऐसी मेरी तरफ से उनके लिए विशेज हैं. थैंक यू सो मच. खुशी हो रही है बहुत एंड ऑनेस्टली बोलूँ शी वॉज सो सो शाय दैट टाइम सो शाय लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू यू सेड समथिंग. Yeah, I was really nervous at the beginning, but as you get to do it, you get more comfortable in front of the camera. It just becomes a lot easier. So the first day I was quite nervous. The second day it was a lot better. We were doing things a lot faster. So I guess it's a first time. So you're always gonna remember your first time, and if it's low, it's only gonna go up from there. बहुत मजा आया हमें शूट पे बीच पे शूट किया हमने और हमारा जीप वाला सीन. Oh my God, that was so amazing. अब क्या फीलिंग हो रही है सॉन्ग लॉन्च हो चुका है. बस अब रिलीज होने का वेट कर रहे हैं और सुपर डुपर हिट हो गया सॉन्ग हमारा. आपने एक्ट भी किया MM सॉन्ग में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा. वेल हमें एक्टिंग करने के लिए बोला तो नहीं था लेकिन हो गया बिकॉज आई वॉज देयर. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई रियली एन्जॉयड इट. एक्चुअली आई एन्जॉयड द टीम आई एन्जॉयड द कंपनी सोमी दीपक जीवांश एवरीबडी. सो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस यू नो इट्स लाइक आई विल चेरिश थ्रू आउट माई लाइफ. यस गाना बहुत ही सुरीला है बहुत बखूबी लिखा है जमील भाई ने. जमील भाई कहाँ लुप्त हैं पता नहीं अभी यहीं पे थे. जमील भाई यहाँ पे हैं मौजूद. गोफी मेरे बहुत पुराने मित्र उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया बहुत सुरीला कंपोज किया. ये रहे जमील भाई इन्होंने बहुत जो है रूहानी तरीके से रूहानियत फैला दी है गाने में घोल दी है मिस्री की तरह. और रीना जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शी
thought of me to become a part of this song. Or yeah, so nice of her. And equally, best wishes to Jivansh and Nishani. I think it's your debut, right? Yeah, it's our debut also. So debut जो हैं इन्होंने किया है और दोनों ने बहुत अच्छा. मेरी हमेशा दिली ख्वाहिश होती है आप लोगों से जब भी बात होती है कि romantic songs मुझे गाने को मिलें, कुछ जिसमें ठहराव वो गाने को मिले. तो जितना आप लोगों ने प्यार दिया है हुक्का बार से लेके अब तक जिंदा भारत तक, उसके अलावा अभी जो ये गाना है सांसों की तरह, मैं समझता हूँ कि एक अलग से उभर के आएगा, क्योंकि ये एक अलग ही जॉनर का गाना है, एक अलग मूड का गाना है, मिजाज का गाना है. और ऐसा मिजाज जो है आप लोग, अभी बारिशें भी शुरू होने वाली हैं तो सावन के महीने में अच्छे से सुनिएगा गाना, बहुत अच्छा लगेगा. सांसों की तरह दिल में तू बहता है, हो धड़कन की तरह. सब सिंगर है, मैं चुप हो जाता हूँ. ये दिखाता है कि गाना ऑलरेडी चढ़ चुका लबों पे. मेरा मुझ कुछ भी नहीं मुझ में, मैं तो सदा तुझ में, कहीं जान मेरी मुझसे. सांसों की तरह दिल में तू रहता है. ये कहना चाहूँगी कि अमन जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बट आई थिंक ये उनका सबसे क्लासी सॉन्ग है. ऊपर जाना नीचे आना इज जस्ट फैंटास्टिक. थैंक यू टू गूफी और जमील भाई और द एंटायर टीम, जिवांश, सुनील सर, जिन्होंने इतना खूबसूरती से जो है उसको कैमरे पे कैद किया है इस वीडियो को. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को जिन्होंने इतना सारा प्रमोट किया गाने को और आगे भी करते रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.